हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपन मानन को स्वागत अभिनंदन देखन परीक्षा हॉल ना माने जानंतु आमे स्कूल रो देखिबे क्लास 1 2 पाखर आरंभ करी पीजी पीएचडी पजन सबले परीक्षा हॉल देखि गस परीक्षा हॉल आम पई किछ नुवा नु आमे परीक्षा देइछो आपन भी देबे दउचंती सब चलछ किंतु ओएस आ आईएस रो जो परीक्षा हॉल एग्जामिनेशन सेंटर एवं एग्जामिनेशन हॉल तार गोटे चार मलगा तार गोटे प्रेशर बेल्ट अलगा मु तो कोई भी परीक्षा सेंटर बा जो हॉल तारो सुंदर प्लेस किछ ना सेमि तो जीवन में सब दिन परीक्षा होची प्रति मुहूर्त परीक्षा होची किंतु एग्जाम हॉल रे ओएस प्रीलिम बा आईएस प्रीलिम जो दिन होची परीक्षा हॉल रे बसिकरी जो क्वेश्चन अटेंड करिबा कोटा ठीक कोटा भूल ये जो गोटे वातावरण गोटे परिवेश पूरा अपूर्व वातावरण किछि पिला कोन कहंती ना चापग्रस्त है कि चापग्रस्त है कि क्वेश्चन आसुथवा क्वेश्चन मते भूल कर दियन बोटल जार रोल नंबर भी भूल कर दियन एवं भावंतु मने करंतु सौ रे सौ से क्वेश्चन डे आसुचे देखले को ए जगह डी बुले दी चल एम तो बहुत कथा हुई कोई ना नहीं किंतु मैं अपन डे सजेशन दे भी परीक्षा हॉल ले तो चापन ना बात ठीक है प्रेशर बेल्ट कहीं रही ये वो चीज़ उड़े सुंदर जगह जो उठे अपन सर्विस करिया पाए सेवा करिया पाए अपन प्रथम परीक्षा दे अबे बोस्टन प्रीलिमिनरी स्टेज बा सेकेंड स्टेज मेन स्टेज है तेणु पूरा आनंद सहित आग क्वेश्चन पेपर पढ़े जो जो क्वेश्चन ताको आग आंसर करेंगे सपोज आप प्रथम 30 मिनट रे आपन को 25 टी क्वेश्चन आसुच पूरा 100 रे 100 से क्वेश्चन आसुच आपन को अंकर से आग से 25 30 टा क्वेश्चन कर देबे बुझ पाले आ अधंत रे आपन देखिबे जे 20 टा क्वेश्चन मते आसुच 40-45 क्वेश्चन घंटा भितरे कर सल्ला परे आपन टिके निजे को स्थिर करी पॉज देबे जे आउ घंटा भितरे मु कोन करी सेमि तो 100 टा क्वेश्चन राउंड बुलेले ओएमआर सीट रे 30 मिनट रे जो सेमति करिया दरकार ने कारण प्रीलिम रे आपन टॉपर होबार नै क्वालिफाई करिया रे तनो 40 क्वेश्चन परे 40 रु 60 जो क्वेश्चन 50% गोटे क्वेश्चन आंसर आस्तो ए भावतबे बी भावते एमति बा सी डी एमति होतबे न चिंता धारा आस्तो 50% जो थिबे देखिबे आपन के केयरफुली सेटि अल्प रिस्क नेबे माने किछि क्वेश्चन करले चलिबो 70% 30% क्वेश्चन जो देखिबे जे एटा हेपर न सेटा हेपर 730 सेटि के बेस रिस्क मिले चलिबो त हम कहर अर्थ होछि 60 65 क्वेश्चन परे आउ अधिक करिवाटा ठीक न बुझि परछन म सकल भाबिली जे एई कथाटा कहिबो प्रतिवर्ष म कोहे 10-11 वर्ष हेलानी एक कथा कहू ऑनलाइन में किंतु एथर जो प्रीलिम जो प्रकार चाप सृष्टि करूची बा जो प्रकार मानसिकता आणुची जे बहुत टफ रहइबो जेते टफ रहउ कोनसी कार्य कोनसी परीक्षा देला बेले एते चापग्रस्त हवा ठीक खाली मु कहि के आपनकर पिता माता बा भाई भौणी समस्त कहतो छी चाप नबार नै जहा हबो भलो हबो तनो आपन मन को मोर सजेशन 4-5 टी कथा परीक्षा समय रे माने माइंड रखे प्रथम काम होउची परीक्षा रे आपण रोल नंबर टेस्ट बुकलेट सीरीज नंबर बा क्वेश्चन सीरीज नंबर एवं थंबनेल सिग्नेचर ये सब बढ़िया रकम करिए माने तो तरबर हेबेनी कारण बेले बेले कोन हुए आमे जो लेखंत मन करंतो नाटा लिखिल ता तले ए बी सी डी जो राउंड बुले हुए बेले भूल हो जाए कारण आमे चिंता माने चिंताग्रस्त होइत सेमति करिबे रोल नंबर बाकी जिनस पूरा बढ़िया रकम करिबे क्लियर हेगला द्वितीय कथा होची क्वेश्चन पेपर को भलरे पढ़िबे क्वेश्चन पेपर को भलरे पढ़िबार अछि 10-15 मिनट लगे क्वेश्चन पढ़ी देवे 100 क्वेश्चन अच्छी कि नहीं पेज संख्या अच्छी नहीं ठीक ये सब देख देवे ये गला द्वितीय कथा तापर कथा हूँ
ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆଗ କରିଯିବେ। ଆଗ କ'ଣ କରିବେ, ପେନସିଲ୍ ବା ପେନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆଗ ଡିମାର୍କେଟ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା 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 ହେବ, ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ, ବୁଝିହେଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ବା ଟିକେ ମାର୍କ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କଥାଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 70-30 ରହୁଛି ତାକୁ କରିବେ, 50-50 ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆଟେମ୍ପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 70% ଆସୁନି, 30% କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ହେବ ସିଏ ଜାଗାରେ କରିବେନି, ଆଟେମ୍ପ ନେବେନି। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ ମାର୍କ କିଛି କାଉଣ୍ଟ ହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି 65-70 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ କରିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯିବାଟା ହେଉଛି ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବୋକାମି ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 90 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ 100ରୁ 100 ବି ଗୋଟେ ପିଲା କରିଦିଏ, ସବୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଇଏ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣ 70 କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ତ କମ୍ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ କଫି ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତମ ମାନସିକତାର ସହିତ ଦେବା ଉଚିତ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ମେନ୍ ପାଇଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯାହା ବି ରିଭିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାନେ ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଟର, ମନ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା ଚମତ୍କାର ହେବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଜଏନିଙ୍ଗ ଅସ୍।